لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دار على قبري وجب عليه شفاعتي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم أحمد ذلك من الشاهدين والذاكرين. والحمد لله رب العالمين. معزز مكرم قابلِ سب احترام مہمانان حرمین شریفین، میرے کرم نظر فرمائی، انشاءاللہ آنے والے جانے والے दोस्तों, मैं सैयद आबिद मुहिद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन द कंडाइजेस एंड द गुलबर्गा मिरर। हमारे साथ जिलानी मोल साहब हैं, जो कि तरबियती कैम्प जो मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से हो रहा था, उसको मुखातिब कर रहे थे। उनसे हम जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स को लेकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ टूर्स और जहाँ अल्लाह के घर जाने कर लेकर खिदमत करने वाले बहुत से हैं, उसमें एक नामचीन और नुमाइंदगी मुमताज़ एतबार से हमारे मुस्कान टूर का काम बड़ा है, अच्छा रहता है। मैं तकरीबन 12 साल से मुमताज़ भाई से हमारे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनसे बड़ा काम लिया और इत्मीनान के साथ, सहूलत के साथ, खिदमत के साथ, आफियत के साथ उन्हें अपने टूर को लेके चले जाते हैं। गाहे माए जब भी बर मौका खिदमत का लिबादा ओढ़ लिया है, लिबास ओढ़ लिया है। इस टूर से जाने में कोई खबात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून से जा करके अल्लाह के घर से फारिग हो सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। और दुआ भी कीजिए अल्लाह इस टूर को और टूरों को अल्लाह ताला तादम हयात कबूल के लिए अल्लाह आसान फरमा दे उनको। तो हमारे साथ मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स के जो ऑनर हैं मुमताज़ भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं ये एक बात बताता चलूँगी, मैं खुद मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स से जा चुका हूँ। इनका जो सक्सेसफुल चल रहा है ट्रैवलिंग या उमरा का पैकेज वगैरह, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले शायद एक महीना पहले 117 लोगों का जो है ना उमरा का ग्रुप जा चुका था, शायद एक महीना पहले 29 सितंबर को लास्ट जा चुका था, 15 अक्टूबर को आ चुका था। तो अब राइट नाउ नवंबर में ये जो है ना 78 लोग जो है अभी जा रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना इनकी कामयाब सर्विसेस है, कितना सेटिस्फाई है लोग। तो इनसे हम जानेंगे इनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। 29 सितंबर 2019 में जो मेरा काफिला था, वो जो पहला काफिला था उसमें 117 आदमी थे। अभी ये दूसरा काफिला है जिसमें 78 लोग हैं। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं
15 साल से इस कारोबार में हूँ। अल्लाह का एहसान है, अभी तक कोई ऐसा कोई मसला आया नहीं। अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआओं से क्या बोला, इस बार मेरे को मकारतुल फिरदौस जो सऊदी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इससे मेरा एग्रीमेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे ऑफिस में क्या बोला, मेरे मुस्कान टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से स्टैंपिंग होंगे, वीजा होगा, लैंड पैकेज वगैरह भी इंशाल्लाह बनाने की इसमें है। अभी मेरे पास खुद टिकट वगैरह का भी यहाँ से ही इंतजाम करो, इस बार जो भी टिकट लिया हूँ मैं हमारी कंपनी से लेने की कोशिश में हूँ। मैं तो अभी हमारे कोई देखने वाले हजरत हैं, ये तो अभी आपका काफिला माशाल्लाह जा रहा है, इसके बाद बुकिंग करना है तो कब का पैकेज अवेलेबल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2020 का हमारा ग्रुप है इंशाल्लाह, वो भी अभी ऑलरेडी क्या मालूम 20 से 25 की लोगों की बुकिंग भी हो चुकी है। हो सकता है हम दिसंबर के महीने में भी करने के इरादे में है, लेकिन जनवरी की तो बुकिंग चालू है हमारे पास, उसमें बुक कर सकते हैं इंशाल्लाह, बुक कर सकते हैं। वो भी 62,500 से हम बुकिंग रखे हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो फिर वही रेट में हम 62,500 से लेके जाएंगे। वो भी 15 दिन का टूर रहेगा, वो भी सऊदी एयरलाइंस या एयर इंडिया का डायरेक्ट फ्लाइट रहेगा हमारा। और होटल जो दे रहे हैं हम, होटल जवारुल हरमैन मक्का में दे रहे हैं, जो 300 मीटर की दूरी पे है, और मदीने में जो हमारी होटल है वो है दारुल सलाम बोल के है, और एक क्या मालूम है शाम टू बोल के है। इन दो तीन होटलों में से इंशाल्लाह बिल्कुल खरीब वाली होटल देंगे इंशाल्लाह। आप कब गए थे और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा दिखा आपको जाने का? मैं इससे साल 29 सितंबर 2019 से 15 अक्टूबर तक का हमारा प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट करे हैं हमारे डॉक्टर साहब। यहाँ से निकलने के बाद हैदराबाद पहुँचने के बाद हैदराबाद से फिर जिद्दा, जिद्दा ले जाके फिर वहाँ से मक्का मुकर्रमा, वहाँ तक किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। खाना पीना वगैरह खाने का इंतजाम भी आपको 3 टाइम फजर के साथ ही 7 बजे आपको खाना, हर वक्त एक मीठा हमेशा रहता हूँ, आप जो भी खाना खाओ खाने के तक तो बेफिक्र थी। और ये जो होटल की बात, मतलब जो भी रहने के लिए जाते हैं रहने का इंतजाम माशाल्लाह, हरम शरीफ को बस 10 से 12 मिनट का रास्ता, कबूतर चल के पास 10 से 12 मिनट अजा हुए तो भी हम जाके पहुँच के जमात में शिकार कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा ही ड्राइवर। और मदीना मुनव्वरा में वहाँ पर भी अरेंजमेंट रहने के लिए बिल्कुल, जहाँ हम ठहरे हुए थे उससे बाहर निकलते ही 5 नंबर गेट में दाखिल, 2 मिनट में 5 नंबर गेट में जाते हैं, बहुत अच्छा इंतजाम था अल्लाह ताला उनको आज काम में आवाज तरफ दी है, हमारी दुआ है कि और खिदमत करने का उन्हें पूछा दे। हमें जो जाए के पास जाने तक ना जो एयरपोर्ट में तकलीफ थी, ना रहने में प्रॉब्लम, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसमें हमारे साथ रहते हैं।